तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, ये है हमारा सुपर स्प्लेंडर का मेन इंजन। तो हम फिट करने वाला है पूरी तरीके से, ये पड़ा हुआ सारा कुछ, गियर वगैरह जो क्लच साइड वगैरह, ठीक है। तो चलिए एक एक स्टेप को हम बढ़िया से बताते चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने क्या किया, जो मेन चेमर होता है उसको बढ़िया से हमने क्लीन किया। आगे की हालत देख सकते हो और अभी की हालत देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना डिफरेंस आया हुआ, ठीक है। और वॉश करने के बाद हमने क्या किया, ये सब जो बैरिंग होता है इसमें हमने थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल दिया, ठीक है, जो कि बहुत इजी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या इंस्टॉल करेंगे इसमें, जो ये पेनियन होता है, ठीक है, ये पेनियन होता है फ्रेंड्स, ये इनपुट शाफ्ट और ये आउटपुट शाफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिट करते हैं इसको। और इसके जो नीचे वार्सल देख पा रहे हो फ्रेंड्स, एक नीचे को साइड वार्सल लगा हुआ है, ठीक है। और देख सकते हो फ्रेंड्स, पिनियन इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। और ये है इनपुट शाफ्ट का सारा पिनियन, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे को एक वार्सल दे रखा है, जैसे कि फ्रेंड्स देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए अब फिट करना देख लेते किस तरीके से ये फिट होता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल हम साफ सुथरा करके काम करेंगे फ्रेंड्स, जो कि ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हम अटैच करके बिठाएंगे, जो कि इस तरीके से आना चाहिए। हम इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ कैमरे को। चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा, इस तरीके से सेट आएगा, ठीक है। पहले हम डाल लेते हैं बिल्कुल आराम से, देखते रहिए फ्रेंड्स, जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये फुल इंजन होगा तो लंबा होगा, काफी लंबा होगा ये वीडियो, बिल्कुल एंड डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ सारा कुछ। चलिए पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। और देख पा रहे हो, इसके नीचे कोई भी वार्सल नहीं होगा, जो कि यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए डाल लेते हैं, पहले बिल्कुल एक साथ आराम से डाल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि डाल गया, एक बार मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आएगा इस साइड, बढ़िया से मैं डाल लेता हूँ एक बार फ्रेंड्स, कैमरे को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। डाल चुका है फ्रेंड्स, ठीक है, डाल चुका है, जो कि मैं इस साइड को एक बार दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हो इनपुट शाफ्ट हमारा निकल चुका है। तो पिनियन किस तरीके से लगाना है मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे पिनियन ठीक से नहीं बैठा हुआ है। अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से घूमेगा, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसको उठा के रखेंगे बढ़िया से घूमेगा फ्रेंड्स, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, देख पा रहे हो बढ़िया से घूम रहा है, ठीक है। ये पेनियन हमारा सेट हो गया, इसके नीचे कोई भी वार्सल नहीं था, इसके नीचे एक वार्सल लगा हुआ था, जो कि इसी तरीके से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, ये जो पेनियन है, पेनियन को हमने बिठा दिया, इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट बढ़िया से वर्क भी कर रहा है। अब दोस्तों, ये गैस सिलेक्टर हमको लगाना है, ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला हिस्सा है इस तरीके से आएगा इस साइड को, ठीक है, इस तरीके से आएगा। जो आउटपुट शाफ्ट है उस पर आएगा ये बड़े वाला जो गैस सिलेक्टर, और ये छोटा वाला जो है ये इनपुट शाफ्ट के अंदर आएगा और इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए लगा देते हैं किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये मैं इस तरीके से लगा रहा हूं, लग गया फ्रेंड्स। और ये जो है छोटे वाला, देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आएगा, देखते रहिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको फ्रेंड्स लगा दिया हमने,
ठीक है, कुछ इस तरीके से लगा दिया, जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड्स इस तरीके से हमने लगाया हुआ है। एक बार मैं फ्लैश ऑन करता हूँ, इस तरीके से लगा हुआ, ठीक है। चलिए अब जो ये जो देख पा रहे फ्रेंड्स ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल का स्विच है, इस पर हमारा न्यूट्रल आएगा और गियर ड्रम आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलिए इसको भी बिठाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है देख पा रहे हो, यहाँ पर ये स्प्रिंग आएगा, एक ये और ये, ठीक है, ये न्यूट्रल सिंबल दिखाता है, ठीक है, अर्थ मिलता है इसको। चलिए इसको मैं इस जगह पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये डाल गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये डाल गया। हम थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से, जो कि ये बाहर ना निकले। चलिए इसको मैं डाल लेता हूँ और ये हम न्यूट्रल पे है, ठीक है, ये पोजीशन जो है न्यूट्रल पोजीशन पे है, चाहे तो इसको बाद में भी लगा सकते हो, थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते तो अच्छा होता। चलिए ये डाल गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या करना है, हमको गियर जो सिलेक्टर होता है इसको हमको बिठाना है, देखिए किस जगह पे बिठाना है। ये जो है ना फ्रेंड्स देख पा रहे हो, ये जो है इस जगह पे आएगा, इस जगह पर आएगा और इस जगह पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर एंड होता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर एंड होता है। चलिए इसको मैं डाल लेता हूँ, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा इस जगह पे, ये चलिए आ गया, ठीक है। चलिए इस जगह पे हम छोड़ देंगे, जो कि मैंने क्या किया फ्रेंड्स, एक को डाल दिया हमने, क्या किया थोड़ा सा उठाया गैस सिलेक्टर को, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको भी लाना है इस जगह पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी उठाना पड़ेगा, तो हम हल्का सा पुश करके उठाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, हल्का सा उठा के हम इस जगह पे डाल देंगे, जो कि ये डाल गया फ्रेंड्स, ठीक है, देख सकते हो ये दोनों डाल चुका है अपने जगह पे, ठीक है फ्रेंड्स, इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको ऑयल कर देते हैं, हल्का सा ऑयल करके हम पुश कर देंगे इस पे, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स ये आ गया, देख पा रहे हो फ्रेंड्स ये आ गया अपने जगह पे, देख पा रहे हो ये इजी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इजी है। चलिए इसमें हम फर्स्ट गियर डालते हैं, देख पा रहे हो फ्रेंड्स ये फर्स्ट गियर डाल चुका है, जो कि नीचे से घूम रहा है। अब थर्ड गियर डाल चुका है, ये थर्ड गियर हो गया फ्रेंड्स, ये टॉप गियर हो गया, ठीक है, जैसे कि इस जगह इतना नहीं आएगा, ठीक है, इतना क्या आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉप गियर हो गया हमारा, थोड़ा सा इस साइड को आएगा, ये हो गया हमारा थर्ड गियर, ठीक है, यस थर्ड गियर हो गया। इस जगह पे सेकंड गियर थोड़ा सा बैक में आएगा, इस जगह पे सेकंड गियर, ठीक है, ये आएगा फर्स्ट गियर आएगा हमारा, थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रल हो गया हमारा, ठीक है, न्यूट्रल हो गया, मतलब ये हम भी हमारा जो गियर का सिस्टम है बढ़िया से फिट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल में। चलिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, हम क्रैंक बिठाएंगे, ठीक है, क्रैंक बिठाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्रैंक, ठीक है, यहाँ पर जो बैरिंग वगैरह होता है उसको हम बिठा देंगे, ये होता है कैच बैरिंग, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने क्या किया, सिर्फ ये बैरिंग को चेंज किया, सिंगल बैरिंग को, इस साइड वाला बैरिंग को हमने चेंज नहीं किया, जो कि ये है साथ में, सही है अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये आ गया हमारा, हम थोड़ा सा ऑयल कर सकते हैं यहाँ पर, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर पेनियम वगैरह होता है वो भी हम लगाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स जो क्रैंक का बेयरिंग होता है
वो किस तरीके से लगता है फ्रेंड्स। तो बने रहिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा वीडियो, बहुत ही डिटेल से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये रहा और ये है इसका लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। इसका लॉक है बिल्कुल छोटा सा और ये इसका टाइमिंग चेन का, नहीं सॉरी ऑयल पंप का पेनियम है, ठीक है। ये ऑयल पंप को घुमाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको लगा देते हैं। चलिए ये बैठ गया, ठीक है, अपनी जगह पे ये बैठ गया फ्रेंड्स। देख पा रहे फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल आराम से डाल देंगे अपनी जगह पे, ये डाल देंगे। यहाँ पर सड़क बना होता है, ये डाल गया फ्रेंड्स, ठीक है, अपने जगह पे ये आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम क्रैंक बिठा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से रखा है, गिर ना जाए। चलिए ऑयल तो हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर भी कर देते हैं थोड़ा बहुत। और दोस्तों आगे की मैंने जितना भी वीडियो बनाया उसमें भी बताया, जो यहाँ पर जो होता है इस जगह पे ऑयल हमको डालना पड़ेगा और हमको ये घुमाना पड़ेगा, ठीक है, कैंटीन रॉड। फिर यहाँ पे जितना भी ऑयल है वो सारा निकलता जाएगा। चलिए वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख पा रहे फ्रेंड्स मैंने ऑयल डाल रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल आराम से ऑयल डाल रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। जो कि मैं ऑयल डाल रहा हूँ अब इस जगह पे खत्म होता जाएगा, फॉलो करना इस जगह पे फ्रेंड्स। ठीक है इस जगह पे आता है, ठीक है, सड़क बना होता है इस जगह पे, ठीक है फ्रेंड्स। इस जगह पे पूरा आ जाएगा हमारा ऑयल, ठीक है। चलिए इसको बिल्कुल आराम से हम डाल लेते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल आराम से ये आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है बिल्कुल आराम से आ जा रहा है और थोड़ा सा हमको करना है, जाम हो रहा है हल्का सा, ठीक है, हल्का हल्का चोट मारना, ज्यादा नहीं, बिल्कुल आराम से। तो उसका मैं दिखा देता हूँ कैसे डालना है। जो कि फ्रेंड्स हमारा कैमरा बैठ गया, आप देखिए कसम बैठ गया, ठीक है, बहुत ही आसानी से बैठ गया। कुछ लोग क्या करते हैं चोट वगैरह मारते हैं बहुत जोर जोर से, ठीक है, इसको चोट वगैरह बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। बैठ गया हमारा, जो कि ये बैठ जाएगा जब ये आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, ये आधा आधा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, बैठ गया। और इधर भी मैं दिखा दूं एक बार, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हो, ठीक है, चैम्बर देख पा रहे हो, हल्का सा और जाएगा, ठीक है, और हल्का सा जाएगा फ्रेंड्स, नजर कर रहे हो, हल्का सा और जाएगा। चलिए और भी बिठाते हैं हल्का सा, नहीं जा रहा फिलहाल, जब हम ये जो लॉक होता है ना फ्रेंड्स उस साइड का लॉक, उसको जब बिठाएंगे चल जाएगा अपनी जगह पे, लॉक होता है उस साइड को। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ का जो क्रैंक है हमारा वो बैठ गया और थोड़ा सा जाएगा, जो कि यहाँ पर आधा आधा होना चाहिए, जो कि मैं एक बार देख लेता हूँ उस साइड से, ठीक है, इतना आसानी से चल गया फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि देख पा रहे फ्रेंड्स, और हल्का सा जाने वाला है जो कि पता लग रहा है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो होता है ना यहाँ पर तीनों लॉक होता है, इस लॉक को हम कस लेंगे, ठीक है, कसने के बाद ये अपनी जगह पे आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, खींच लेंगे ये अपनी जगह पे, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से ये आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम खींच लेंगे, चाहे तो और हल्का हल्का चोट आप मर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते किस तरीके से इसको फिट करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो थोड़ा सा बाकी है आने में, और हमने क्या किया इस तरीके से लगाकर ये जो बोल्ट है ना फ्रेंड्स, बोल्ट को हम टाइट करेंगे और एक कट करके आवाज आएगा, देखना, ठीक है, फिर ये अपनी जगह पे ये बैठ जाएगा फ्रेंड्स, बैठ गया। और हम इस साइड से भी थोड़ा सा इसको बिठा देंगे, ठीक है, आराम से ये आ जाएगा फ्रेंड्स।
देखते रहिए फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स ये अपनी जगह पे आ गया बैरिंग जो है, ठीक है। ये देख पा रहे फ्रेंड्स ये जो फेस है ये देख के पता लग रहा होगा आ गया कि नहीं, ठीक है। अब इधर मैं दिखा देता हूँ आधा आधा कितना आया कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी कस देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी कस देता हूँ। फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है, इसी तरीके से ये होता है। थोड़ा सा कैमरा को उधर कर लेता हूँ, देख पा रहे फ्रेंड्स। इसको हम बाद में भी आसानी से अच्छी तरह से टाइप कर सकते हैं। चलिए ये देख पा रहे फ्रेंड्स बिल्कुल सेम सेम हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स ये है जो देख पा रहे हो, ये बिल्कुल आधा आधा भी आ गया और बहुत इजी तरीके से वर्क भी कर रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम एक बार सब देख लेंगे सही है कि नहीं, क्या होगा ऐसे वो सब निकल गया कि नहीं हम एक बार देख लेंगे। चाहे तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, जो क्रैंक है उसको बाद पहले बिठा सकते हो, उसके बाद ये सब बिठा सकते हो, ठीक है। ये निकल गया था क्योंकि थोड़ा सा इधर को हिलाया वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप क्या करेंगे हम यहाँ पर बढ़िया से हम साफ कर लेंगे एक बार, उसके बाद हम किक सैप बिठाएंगे, बढ़िया से किक सैप बिठाएंगे फ्रेंड्स। और ये है किक सैप हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। कैमरे को मैं दूर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा किक सैप फ्रेंड्स, ये टाइट होना चाहिए, ठीक है। ये जो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये लूज हो जाता है, इसको आप टाइट कर सकते हो, नहीं तो बढ़िया से ये रिटर्न नहीं लेता, ठीक है। रिटर्न नहीं लेता, वहीं के वहीं रह जाता, ठीक है। इसके वजह से भी होता है कभी कभी, तो इसको भी देख लेना चाहिए। चलिए इसको मैं बिठा देता हूँ। यहाँ पर एक बार्सल होना चाहिए, जो कि ये है, इस जगह पे एक बार्सल होना चाहिए। चलिए बिठा दिया, मैं एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से सिंपल सा बात है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये देख पा रहे फ्रेंड्स, मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये यहाँ पर होगा, जो कि मैं चैम्बर बिठाने की टाइम दिखा दूंगा किस जगह पे होना चाहिए। ये रहा, मैं अभी दिखा देता हूँ। अभी ये फ्रेंड्स जो इस जगह पे अटकता है, ठीक है, इस जगह पे अटक जाएगा ये जो है। चलिए अब क्या करेंगे, बढ़िया से रेसी बोन लगाएंगे, उसके बाद चैम्बर बिठा देंगे हम, एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो हमने क्या किया, थ्री बोन लगाया और इस जगह पे होना चाहिए, सब कुछ सही है। तो चलिए फटाफट हम इसको बिठा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फटाफट इसको बिठा देते हैं और देखिए कुछ भी नहीं बचा, एक बार्सल है इस जगह पे और इस जगह पे बार्सल है। चलिए बिठा देते हैं बिल्कुल आराम से, ये बैठ जाएगा फ्रेंड्स। ये जो किक सब का है इसको मैं एक बार देख लेता हूँ बढ़िया से, सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो किक स्प्रिंग है इस जगह पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, जो कि मतलब सही है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चैम्बर को फटाफट बिठा देता हूँ। तो फ्रेंड्स चैम्बर हमारा बैठ गया बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर घुमाना पड़ा थोड़ा सा, ठीक है। बढ़िया से बैठ गया हमारा चैम्बर, जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ गया। तो फ्रेंड्स तीनों बोल्ट हमने इस जगह पे लगाया, ठीक है, जो कि इसका जो हेड है तो उसको देख के पता चल जाएगा कि इसके अंदर में होता है। और तीनों बोल्ट, चारों बोल्ट मैंने इस जगह पे लगाया और बाकी चारों बोल्ट बचा हुआ, जो कि सब कुछ सेम है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं डाल दिया, अब मैं बढ़िया से कस लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली उस साइड से हमने सभी जो मेन चैम्बर का बोल्ट होता है कस दिया सभी को, ठीक है फ्रेंड्स, सभी बोल्ट को हमने कस दिया। तो अब क्या करेंगे हम,
क्लच साइड फिट करेंगे, ठीक है। अंदर में क्या फिट करना दिखाया हमने, बिगिन फिट किया हमने, क्रैंक जो होता है और गियर सिस्टम हमने फिट किया। आप क्या फिट करेंगे, क्लच सिस्टम, ठीक है। क्लच में क्या क्या होता है और स्प्रिंग किस तरीके से वर्क करता है और सारा कुछ हम फिट करके दिखाने वाले फ्रेंड्स आप लोगों को। चलिए बने रहिए फ्रेंड्स। तो पहले हम क्या फिट करेंगे फ्रेंड्स, ये जो होता है फ्रेंड्स ये हम लगाएंगे। तो ये जैसे कि देख पा रहे हो ये होता है हमारा फ्रेंड्स, इसको हम कुछ इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। जो कि ये देख पा रहे हो इधर गैप कम है इधर ज्यादा है, अब तो ये भी कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। नीचे के साइड चले इसको भी हम डाल देते हैं। एक बड़ा होता है, इसमें दो पिन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, दो पिन होता है देख पा रहे हो जैसे कि। तो आप पिन को भी उस पर डाल सकते हो और इस पर भी डाल सकते हो। ये चल गया हमारा पिन, ठीक है, चल गया पिन, ये न्यूट्रल में अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि लग गया हमारा, अब क्या लगाएंगे, एक कसेंगे हम, ठीक है। इसको लगा देंगे इसके ऊपर में एलंकी की मदद से, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने कस दिया, और भी थोड़ा सा कसना है, ठीक है फ्रेंड्स, और भी थोड़ा सा कसना है। तो फ्रेंड्स इसको हमने कस दिया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। ये क्या काम करता है, गियर को लॉक करके रखता है। तो फ्रेंड्स ये स्प्रिंग है, ऊपर में एक वार्सल है, ठीक है, ऊपर में एक वार्सल देख पा रहे हो, और एक 10 mm की बोल्ट है, और जो कि बूस्ट वाला बोल्ट है, ठीक है। चलिए इसको कस देते हैं, कुछ इस तरीके से ये आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल इस तरीके से पहले यहाँ पर डालेंगे हम, इसको खींच के बाद में यहाँ पर कर देंगे। ये मैंने पहले क्यों लगाया, जो कि ये बाहर ना निकल आ जाए। लग गया फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो बढ़िया से, अब ये सही से काम कर रहा है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। सही से गियर काम कर रहा है अभी, ठीक है फ्रेंड्स, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। अभी जब इसको लगाएंगे हम क्लियर हो जाएंगे कि हमारा गियर पेनियम वगैरह सब कुछ सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। हम इसको एक बार बढ़िया से टाइट करना देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और बहुत ही ध्यान से काम करना चाहिए, सब कुछ टाइट बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो एक भी चीज अंदर लूज रह गया बाद में परेशानी क्रिएट करेगा काफी ज्यादा, जो कि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ और इसे टाइट भी कर रहा हूँ। चलिए न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम गियर शाफ्ट लगाएंगे, जो कि गियर शाफ्ट किस जगह पे लॉक करता है, जो मतलब यहाँ पे जो टंग जैसा था ना फ्रेंड्स, उस जगह पे गियर काम करता है। चलिए अब गियर को हम गियर शाफ्ट डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा गियर शाफ्ट देख पा रहे हो, यहाँ पर एक बुश होता है, जो कि ये बुश है, ठीक है। गियर शाफ्ट हमारा रेडी है और स्प्रिंग वगैरह सब कुछ सही है। चलिए साफ करके इसको डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये हमारा स्प्रिंग भी सही है। निकालने की टाइम भी थोड़ा बहुत जाम था फ्रेंड्स, तो डाल देंगे खूब, बस डल गया ये हमारा, बिल्कुल बढ़िया से वर्क कर रही है। अभी गियर में डल गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो
देख पा रहे फ्रेंड्स, हमारा थोड़ा सा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स इतना दूर आ गया तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ फुल इंजन का, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्स में क्यों बना रहा हूँ मैं, इससे एक दो दिन पहले मतलब 1 वीक हो चुका है, उससे पहले मैंने एक 135 का इंजन का वीडियो बनाया था पल्सर। उसमें क्या बताया था सब्सक्राइबर भाई ने बताया था कि आप क्या करते हो पूरा नहीं बताते हो, तो मैंने इसलिए क्या किया इसको पूरा बताने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को भी बढ़िया से पता चले किस तरीके से इंजन का काम होता है, ठीक है। तो जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ मिला रहता हूँ और आगे की भी एक कैलिबर का फुल इंजन में दिखाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और एक मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी कैलिबर का। चलिए फ्रेंड्स इससे पहले आप क्या करेंगे, हम ये जो होता है ना फ्रेंड्स इस जगह का यहाँ पर आएगा, ठीक है, एक बुश आएगा इस जगह पर, हम बुश डाल देंगे, ठीक है, ये बुश आएगा इस जगह पर, देख लो फ्रेंड्स ये बुश है, काफी बुश है, तो कंफ्यूज मत होना, 3 बुश अभी बचा हुआ है, ठीक है, हर कोई बुश इस जगह पे नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो अपना हिसाब से आएगा। तो ये बड़ा वाला बुश हम इस जगह पे डाल देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या डालेंगे, हम ये डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि हम ये पेनियम जो होता है GBD पेनियम इस जगह पे आएगा, चल इसको भी डाल देते हैं हम, जो कि फ्रेंड्स ये डाल गया, तो फ्रेंड्स ये डाल गया जैसे कि देख पा रहे हो। तो आप क्या डालेंगे, ये GBD पेनियम डालेंगे, ठीक है, चलिए इसको हम डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स ये अगर खराब होता है तो क्या आवाज आने लगता है, बहुत ही, जब हम पिकअप देते हैं ना उस टाइम साई 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 करके आवाज आता है, ठीक है, तो उसका काम ये है। चलिए इसको डालेंगे, एक इस तरीके से था फ्रेंड्स, देखिए। तो फ्रेंड्स मैं ज्यादा बातें करता हूँ, ठीक है, काम से ज्यादा बातें करता हूँ मैं, देखिए जैसे कि ये है ना, और ये साइड देख पा रहे हो ये ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, ये जो देख पा रहे हो चौड़ा ये पतला है, और इस जगह पे पतला और ये भी पतला है, ठीक है, तो हम इस तरीके से डालेंगे, जो टी का निशान है बाहर की तरफ रखेंगे। चलिए इसको डाल लेते हम, बिल्कुल आराम से ये डाल देंगे, डाल गया फ्रेंड्स, ठीक है, अगर वाल्व वगैरह थोड़ा सा करता तो और भी आसानी से जाता, तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना के काफी है फिलहाल के लिए। तो आप क्या करेंगे, हम क्लच हाउजिंग वगैरह फिट करेंगे, ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, हम जो कीक स्प्रिंग है उसको सेट कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कीक स्प्रिंग हम सेट कर लेंगे। चलिए कीक स्प्रिंग किस तरीके से सेट होता है वो अब मैं बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब मैं कीक स्प्रिंग फिट करना दिखाता हूँ, जो कि कीक स्प्रिंग फिट करने के लिए ये चारों चीज का जरूरत होता है, ठीक है, ये दो और ये दो बुश है और दो मतलब ये, चलिए क्या करते हैं, ये जो बुश है ना फ्रेंड्स गोल सा, पहले ये आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे ये आ जाएगा। बुश आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ना फ्रेंड्स ये आउट, देख पा रहे हो आउट लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमको डाल देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसका कोई भी टाइमिंग नहीं होता, ठीक है, हम इस तरीके से डाल सकते हैं, डाल के वापस ले आ सकते हैं अपनी जगह पे, ठीक है, देख पा रहे हो अपनी जगह पे ले आ सकते हैं। चलिए आप क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग है ना फ्रेंड्स स्प्रिंग को हम डाल देंगे कुछ इस तरीके से डाल देंगे, जो कि ये इस जगह पे लॉक होना चाहिए, ठीक है, ये लॉक हो जाएगा इस जगह पे, टेढ़ा करके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, हम इसको खींच के थोड़ा सा ऊपर की साइड ढकेल देंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा कीक स्प्रिंग लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, ये जो बुश है बुश डालेंगे हम कुछ इस तरीके से अंदर की साइड, पूरा ये अंदर की साइड पूरा चल जाएगा, ठीक है, और जाएगा ये पूरा अंदर की साइड, इसको ढालना है हमको, फिर ये सही से काम करेगा, ये बहुत ही सेम जाएगा, इसके सेम जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो है बुश ये सेम चल गया और थोड़ा सा जाएगा, ठीक है, अगर ये सेम नहीं गया तो की जो क्लच चैंबर है ना उसको लगाने में काफी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ मैं, देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से रिटर्न आ रहा है। अब ये जब क्लच चैंबर लग जाएगा ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है,
देख बोलो फ्रेंड्स सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये जो बुश है हमको और थोड़ा सा अंदर को डालना है फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं तो क्लच चैम्बर हमारा सही से फिट नहीं होगा। चलिए इसको निकाल देता हूँ, आप हाउजन वगैरह लगा के फिट कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए, तसल्ली से देखते रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या क्या हमने यहाँ पर जो बुश होता है दो बुश को हमने डाल दिया है, ठीक है, अब हाउजन लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से ये हाउजन आ जाएगा जैसे कि आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो बार्सल है ये बार्सल को हम इस जगह पे डालेंगे, ठीक है, इस जगह पे बार्सल डालेंगे। चलिए आप क्या करते हैं क्लच प्लेट फिट करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो क्लच प्लेट हमारा बैठ गया है, तो हम जब इस तरीके से बिठाएंगे ये नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो हमको घुमा के बिठाना है, ठीक है। एक निशान होता है वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, एक डॉट दिया होता है, डॉट फिलहाल नहीं दिख पा रहा हूँ इस साइड में, नहीं तो मैं दिखा देता। जैसे कि इसमें डॉट दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो डॉट है डॉट को मिलाना पड़ता है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलिए इसको मैं फिट कर लेता हूँ, बुश वगैरह दे दिया हमने, चलिए दो ये ले लेंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने क्लच प्लेट का वीडियो बना था सुपर स्प्लेंडर का, वो आई बटन में आ रहा होगा, देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसको मैं फिट कर लेता हूँ। वो वाला वीडियो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है क्योंकि मैंने पिस्टन नहीं लगा हुआ ना, इसलिए अगर कोई पकड़ता इंजन को तो अच्छा होता, गिरने का चांसेस होता है काफी। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखो हमने लगा दिया, अब क्या आएगा, ये बार्सल आएगा एक, ठीक है, मोटे वाला जो बार्सल होता है बार्सल इस जगह पे डाल देंगे, उसके बाद ये छोटे वाला जो होता है उसको कस देंगे, ठीक है, इस जगह पे। चलिए इसको भी कस के मिलते हैं फ्रेंड्स। और जो और एक देख पा रहे हो बड़े वाला जो है ये और ये छोटे वाला, ये इस जगह पे होना चाहिए। चलिए इसको कस के मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कस दिया हमने, ठीक है, अब क्या करना है, हमको छह स्प्रिंग लगाना है और तीन बोल्ट लगाना है, ठीक है, इसपे तीन बोल्ट होता है छह स्प्रिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इसको भी कसते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से इसको कसना है। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जैसे कि इसको पहले ही बताया, क्लच का भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो जाके देख सकते हो, इसमें भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा, पर ये लंबा हो जा रहा है, अगर सिर्फ क्लच का फिटिंग देखना है आपको उसको जाके देख सकते हो फ्रेंड्स, डिटेल्स में भी बता हुआ है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा कस लेते हैं पहले, उसके बाद इसको इस तरीके से थोड़ा सा खींच के हम देख लेंगे घूम जा रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर अपनी जगह पे नहीं बैठेगा ना वो घूम जाएगा। चलिए सही से नहीं बैठा, इसको सही से बिठाना है जैसे कि बैठ गया अभी, ठीक है, हमको सभी को देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है, सही से सभी को देख लेना, उसके बाद हमको कसना है। चलिए सही है, ये तीनों बोल्ट को बढ़िया से कस देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, बहुत ही टाइम भी ले रहा हूँ आप लोगों से, पर क्या करें फ्रेंड्स, डिटेल्स में बताना चाहता हूँ ना मैं। चलिए इसको कस के मिलता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये भी लगा दिया हमने, ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ओरिंग लगाना है, ठीक है, ये जो ओरिंग होता है इस पर ओरिंग खोल गया था जो कि हमने लगा दिया अभी, और अब क्या करना है हमको इसको लगा देना है फ्रेंड्स। चलिए इसको भी कस देता हूँ फ्रेंड्स। और दोस्तों इस जगह पे एक मिसिंग लग रहा होगा, क्या मिसिंग लग रहा होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, इस जगह पे कुछ चीज मिसिंग लग रहा है, तो क्या मिसिंग है फ्रेंड्स कमेंट करके बता दीजिए, मैं बताता हूँ फिर, ठीक है फ्रेंड्स, तब तक मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। यहाँ का सारा कुछ फिट हो गया, और की कस जो बुश होता है कीक वाला बुश जो था उसको मैंने देख पा रहा हूँ बढ़िया से प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिया, ठीक है, अपने अंदर की तरफ थोड़ा सा धकेल दिया। और दोस्तों यहाँ पे जो मिसिंग का बात कर रहा था ना फ्रेंड्स, एक बुश होता है इस जगह पे, ठीक है, जो कि ये बुश था, ठीक है, ये मैंने खोल के रखा था, इस जगह पे आना चाहिए जो कि ऑयल सप्लाई का काम करता,
चलिए आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्लथ कवर लगा के हेड वाला हिस्सा फिट करेंगे, वो के दूसरा पार्ट में दिखाएंगे। ठीक है, ये जो फिट हुआ वो दूसरा पार्ट है और ये हेड वाला हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए क्लच जेमर लगा देते हैं फ्रेंड्स, क्लच कवर लगा के क्लच पैकिंग लगा के बढ़िया से लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हो, लगा दिया हमने। और जो फिल्टर होता है यहाँ का जो फिल्टर होता है ना जाली, उसको भी मैंने लगा दिया। चलिए क्लच कवर बिल्कुल आराम से इसको लगा देते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से ये लग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लग गया फ्रेंड्स। चलिए आप क्या करता हूँ देखो फ्रेंड्स, ये बाहर की तरफ आ रहा है, हमको देख लेना है। बैरिंग भी डाल दिया और यहाँ का जो ठेसी बूस होता है उस भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब बढ़िया से ये काम कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स सभी बोल्ट को कस देता हूँ, कस के नेक्स्ट पार्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी हेड का वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड्स।